हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी जेरेनियम प्लांट के साथ, तो ये देखिए पहला इसमें फ्लावरिंग हो रही है और ये मल्टी पेटल है फ्रेंड्स। पीच कलर का शेड है ये भी और कुछ ऑरेंजेस सा है, पीच भी नहीं ऑरेंजेस सा शेड है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये नेक्स्ट जो मेरा है फ्रेंड्स, ये है पिंक का शेड है, मजेंटा टाइप का है ये। और ये नर्सरी से लाई थी दोस्तों मैं, देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और जेरेनियम के फ्लावर भी फ्रेंड्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आपके करीबन 20-25 दिन या महीना भर खिले रहते हैं। और ये दूसरा शेड लाई थी, ये भी पिंक है, ये कुछ रस्ट पिंक टाइप का है फ्रेंड्स और बहुत ही सुंदर है ये भी। अभी थोड़ा सॉइल में एडजस्ट हो गया है ये, कुछ समय पहले ही मैंने इसे रिपॉट किया है। और ये है मेरा वाइट कलर का, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी लास्ट ईयर का है मेरा, तो पुराना है, लास्ट टू लास्ट है, तो इसके भी मैंने 2-3 कटिंग लगा दी है नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये पीच कलर का, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये वाला देखिए, ये पिंक है, अभी इसमें बर्ड्स खिलने को दोस्तों। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मेरे प्लांटर हैं वाइट वाले, इनमें भी मैंने क्या है खाद डाल दी है, मिक्स खाद बना के। और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी मेरा जो है प्लांट है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ मैंने किनारे किनारे नीचे अपने जो किचन गार्डन है उसमें डहलिया भी लगा दिए हैं फ्रेंड्स। छोटी छोटी सैम्पलिंग लाई थी मैं डहलिया की और ये भी लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सही से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रास्बिन लगा रखी है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर की जो सीडलिंग लगाई थी वो भी अच्छे से हो रही है दोस्तों, सीडलिंग भी मेरी। तो आप भी लगाइएगा पर ज़्यादा लेट नहीं करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा लेट करेंगे तो अब जो छोटी सीडलिंग होगी तो वो कब ग्रो करेंगे, कब फ्लावरिंग करेंगी। तो अगर अब आप लेते हैं तो प्लीज़ अभी आप अब थोड़े बड़ा प्लांट लीजिएगा, सीडलिंग मत लीजिएगा छोटी, क्योंकि वो डेवलप होने में समय लगाएगी और तब तक उनका टाइम निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे अभी गेंदे भी अच्छे से खिले हुए हैं इस तरह से। और जो है मैंने तो लगा दिए काफ़ी, मेरे अब अच्छे ग्रोथ भी हो गए हैं प्लांट्स। और यहाँ पे मैंने सामने पे ये बीन्स बोई है, तो अभी बीन्स का भी टाइम अच्छा है, आप लगाइएगा। और यहाँ पे मेरा पालक है और पालक भी अच्छे से हो रहा है मेरा गार्डन में। और यहाँ पे भी देखिए मैंने डहलिया लगा दिए हैं, इस बार मैंने सारा किचन गार्डन के कॉर्नर कॉर्नर में पूरे डहलिया लगा रखे हैं। तो डहलिया की सीडलिंग ला के लगा सकते हैं आप, क्योंकि वो भी अभी एडजस्ट हो जाएगा और ग्रोथ कर लेगा। और ये देखिए इसमें मेरे जरबेरा में भी फ्लावर आ रहा है। और हमेशा जब मैं सीडलिंग लाती हूँ फ्रेंड्स, पहले देखिए इस तरह से मैं गमले में किसी गमलों में लगा देती हूँ और फिर कुछ दिन के बाद उन्हें ट्रांसफ़र करती हूँ नीचे सॉइल में, जहाँ पे भी लगाना है। तो ये इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर लगा दिया है, तो आप भी इस तरह से कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर लहसुन लगा रखा है मेरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स।